गलातियों की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय उसका 20 वचन कहाँ पढ़ेंगे? गलाती 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। वर्ड कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा। हालेलुया। कौन कह रहा है? पौलुस गलतियों की कलीसिया से कह रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। अब मैं जीवित ना रहा परंतु क्या कहता है मैं पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं जीवित ना रहा इसका मतलब जीवित ना रहा इसका मतलब मर गया है। और क्या कहता है मैं जीवित नहीं रहा। आज का मेरा टॉपिक है मैं मर गया। I am died। हालेलुया। अटपटा लगता है। I am died। मैं मर गया। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा। मैं मर गया हूं। पर अब कहता है मैं तो मर गया। मेरा मैं मर गया। मेरे देह मर गई। पर अब मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। और अब जब मैं जीता हूं तो केवल मसीह के लिए जीता हूं। एक दूसरे को देख के बोले अब जब मैं जीता हूं तो मैं केवल मसीह के लिए जीता हूं। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम संसार के लिए मर गए। देह से मर गए। संसारिक बातों के लिए मर गए। पर अब मैं और आप मसीह में जिंदा है। मसीह के लिए जिंदा है। मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मसीह को मैंने पहन लिया है। मसीह को मैंने ओढ़ लिया है। मसीह मुझको ढक लिया है। मसीह मेरे अंदर अब बसता है। और हर चीज मेरा मसीह का है। जीवन मसीह का है। लहू मसीह का है। सांस मसीह का है। मेरी हर चीज अब मेरे अंग अंग में मसीह का बसता है। हालेलुया। मेरा अब कुछ नहीं है। मैं अब केवल मसीह का हूं। एक दूसरे को देख के बोले मैं मुझ में मेरा कुछ नहीं। अब जो कुछ भी है वो सब मसीह का है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पौलुस एक जगह लिखता है जीना मसीह है और मरना लाभ है। जीना मसीह। जीता हूं तो मसीह के लिए। जानो जब मैं नया प्रभु में आया और बाइबल ट्रेनिंग में जाकर के जब मैंने प्रभु के कलाम को सीखा उसके प्यार को समझा उसके मारे जाने गाड़े जाने जूटने की बातों को जब मैंने गहराई से समझा तब मैंने निर्णय लिया आज के बाद जीऊंगा तो मसीह के लिए और मरूंगा तो मसीह के लिए। सेवकाई में आने से पहले मैंने इस बात के लिए घोषणा किया था निर्णय लिया था आज के बाद तेरे लिए जीऊंगा और तेरे लिए ही मरूंगा। हालेलुया। 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 हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस बात को आज समझो। मैं 2-3 दिन पहले मैं अपने कमरे में प्रार्थना में बैठा था और ये वर्ड खुदा ने मुझको दिया। मैंने शायद फ्राइडे को शेयर किया था संडे में शेयर करने जा रहा हूँ। आई एम टाइड। मैं मर गया। हालेलुया। ये बात को आप समझ जाएंगे ना आपके अंदर की बहुत सारी खामियां निकल के चली जाएंगी। हालेलुया। बहुत सारी बातों में आप निकल के उभर कर आएंगे। अमें हम पकड़ के रखे मालूम जो चीजें मर जाती है ना वो सब सड़ जाती है। मर जाना फिर सड़ाहट को लेकर आता है पर यदि उन सड़ाहट को पकड़ के रखेंगे ना उसको बदबूदार हो जाएगा। उसमें बदबू पैदा हो जाएगी और जब बदबू आ जाती है उसके अंदर तो उसका काम है फेंक देना। लोग कचरे में कूड़े में ला करके डाल देते हैं। वैसे ही जो मरी चीजों का पकड़ेंगे एक दिन आप भी फेंक दिए जाएंगे। कहा नरक की उस खाई में। क्योंकि कोई व्यक्ति जो सड़े हुए चीजों को पकड़ के रखेगा वो उसका काम है फेंकना। हालेलुया। हालेलुया। पर जीवितों को कोई फेंकता नहीं। फेंकता है क्या है? उसको तो अच्छे महलों में अच्छे बेड पर अच्छे कपड़ों में सजाते सवारते ना जाने क्या क्या करते हैं। पर कहता है मैं मर गया मैं फेंक दिया गया पर अब मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। खूबसूरती इस बात की है कि मसीह मुझ में जिंदा है।
मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। तो मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता, जीना है तो मसीह के लिए जियो। आमेन। दिन और रात एक कर दो। दाऊद क्या कहता है, रात को एक एक पैर उठकर मैं परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान लगाता हूँ, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफ दिए मैं यहोवा के लिए हाँफता हूँ, जैसे सूखी जमीन पानी के लिए तरसती है मैं यहोवा के लिए तरसता हूँ। जीना है मेरे खुदा के लिए, मरूंगा तो उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ छोड़ दिया। ओ पौलुस कहता है, पीछे की बातों को भूलकर, पीछे की बातों को छोड़कर मैं निशानों की ओर दौड़ा चला जाता हूं, जिस बात के लिए मसीह ने मुझको बुलाया है। हालेलुया। क्या हम पकड़ के रखे हैं? जब आप मर गए हो, आपकी जीवन खत्म हो गई है और अब केवल आप जीरो बनकर मसीह आपके तो हीरो है। हालेलुया। मसीह आप में समाया हुआ है, मसीह आपके ऊपर कब्जा किए है। और कहता है, तू मुझ में है, अब मैं तुझ में हूं। हालेलुया। तो मेरे पे दिन रात हमारी विचार किसके लिए हो, हमारी सोच किसके लिए हो, हमारा काम किसके लिए हो, हमारी व्यवहारिता किसके लिए, सब मसीह के लिए। बोलू तो मसीह को बोलू, देखू तो मसीह को देखू, कुछ सोचू तो मसीह को, क्योंकि मैं तो मर गया, मसीह जिंदा है। तो मेरी हर चीज अब मसीह के लिए हो। हालेलुया। ऐसी धुन लगाओ, एक दूसरे को देख कर कहो, ऐसी धुन लगाओ, फिर देखो आप कहां से कहां जाएंगे। कुलुसियों को निकालो, कुलुसियों तीसरा अध्याय, एक दो वचन को पढ़े जल्दी से, कुलुसियों की पुस्तक और उसका कुछ का तीसरा अध्याय एक से लेकर के हम पढ़ेंगे चार वचन, जल्दी से पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय एक से चार। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, कहता है तुम मर गए थे पर मसीह ने तुमको जिला दिया। मालूम, मुझको मालूम है, तीन बार मैं मरते मरते बचा, तीन बार मर जा रहा था मैं, किसने बचाया मुझको? यीशु ने बचाया। पहली बार जमीन, तीसरे मंजिल से नीचे कुएं के अंदर गिरा, करीब 9-10 साल का लड़का था मैं, 24 आवर्स में बेहोश पड़ा रहा, मेरे आँख की है निशानी है उसकी है। तीसरे मंजिल से नीचे कुएं में गिरा, वही मर जाता, खत्म हो जाता, पर प्रभु ने बचाया। दूसरी बात, बाढ़ के उस नदी में मैं भंवर में फंस गया, 1 घंटा तक वो घुमाता रहा, वहां से प्रभु ने बचाया। तीसरी बार कुत्ते ने काटा मुझको पैर, मेरे पैर में इतने सारे बहुत सारे जहाँ ऐसे फूल गए थे, और डॉक्टर ने कहा पैर काटना पड़ेगा, पर पूरे शरीर में पागल जैसा हो गया था, बड़बड़ाता था, उसके पूरे जो जहर मेरे शरीर में फैल गई थी, पर खुदा ने वहां से भी बचाया। चौथी बार मुझको जहरी मलेरिया हो गया, सिर में चढ़ गया, एक बार सिर में चढ़ जाए तो कोई बचता नहीं है। 10 दिन तक हॉस्पिटल में था, एंटीबायोटिक दे दे के रात भर वो कड़वा उल्टियां करता, वहां से प्रभु ने बचाया। 5वीं बार कैंसर हो गया, शैतान बार बार मार डालना चाहा, और मारने वाले से बचाने वाला जिंदा खुदा पर, क्योंकि मेरे लिए बड़ी योजना है खुदा का। वो शैतान डर गया है, ये रहेगा तो कुछ बहुत बड़ी बातों को कर जाएगा, इसलिए बार बार उसने हमला किया और मार डालना चाहा। पर मैं एक बात को जानता हूँ, मेरी जिंदगी उसके हाथ में है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे मुझे अपने हाथ में थामे हुए है, मेरा विरोधी कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो वर कहता है, ऐसा कोई अस्त्र ऐसे शस्त्र नहीं बने जो तुझ पर हावी हो सके। आएंगे तो सही, पर वो तुझको तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और मैं जानता हूँ बहुत बड़ी काम खुदा मुझसे कराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बातें जब दाऊद के लाइफ को देखो, प्रभु की बड़ी योजना थी, पर कितना भयानक था उसके लाइफ में आया। साउल मार डालना चाहता था उसको कई बार, हैं, शत्रु पर हमला किए, पहाड़ पर गुफाओं में कहां-कहां मारा मारा फिरता रहा, बड़ी योजना थी खुदा का। हालेलुया। पर जिसके साथ बड़ी योजना होती है, भले शैतान कितना भी जोर लगा ले वो कुछ नहीं कर पाया। तो हम देख रहे थे, सॉरी मैं टॉपिक से अलग चला गया था। हाँ,
अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कहते हैं मन तुम मर गए हो, मरी हुई चीजों पर क्यों मन लगाना। जब तुम संसार के लिए मर गए, खुद के लिए मर गए, तो अब मसीह आप में जिंदा है। हालेलुया। तो जो मर गए तो मरी चीजों पे अब क्यों मन लगाए, संसारी बातों पे क्यों ध्यान दे, दुनिया की चीजों पे क्यों ध्यान दे। परंतु आज हमारे जीवन के दिनचर्या में हम आप अधिक समय संसार की बातों पे मन लगाते। ये ऐसा न, वो ऐसा नहीं, ये ऐसा न, वो ऐसा नहीं। फरवर्ड कहता तुम तो मर के मसीह के साथ जब तुम जिलाए गए हो तब स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, क्योंकि मसीह स्वर्ग का है, वह स्वर्ग में रहता है। और आपने मुझको, उसने अपना जीवन हमारे अंदर डाला है, अपनी सांस हमको दी, अपना लहू हमारे अंदर डाला है, मुझ में मसीह का जीवन है। अमें? तो वर्ड कहता है तुम तो मर गए हो, मसीह में तुम जिलाए गए हो। तो जिसने तुमको जिलाया, जिसके लिए तुम जिलाए गए हो, उस बातों पर ध्यान लगाओ लगता है। आमीन। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तु की खोज करो, स्वर्गीय बातों पर ध्यान मन लगाओ। यदि आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, इस दुनिया में खुदा आपको हाय ऊंची बातों पर ले जाएगा। एक स्वर्गीय चीजें अपने आप में बहुत बड़ी कहता है यूनिकपन है हर चीज। यदि एक भी स्वर्ग की दान आपको मिल जाए, वो दान आपको निखारेगा, आपको दुनिया में फैलाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए वर्ड कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर दिन रात मेरे पे। जैसे दाऊद कहता है ना कि मैं रात को एक एक पहर उठ उठ कर यहोवा की व्यवस्था पे मैं ध्यान लगाता हूँ। जब उसकी व्यवस्था मुझको मिलती है तो मैं 7 बार परमेश्वर की आराधना करता हूँ, और मैं कहता प्रभु जैसे हिरनी जल के लिए हांफती है, मैं तेरे लिए हांफता हूँ। उसका राजा है, वो राजकीय पद पर वो अपॉइंटेड है, और 350 उसकी रखेलिया पत्रानिया क्या बोलते उसको इतने धन से दौलत से बड़ा है। दुनिया की चकाचौंध महल के अंदर इतना धन दिया, दौलत दिया, इतने सारे कहता है उसके सैनिक दिए, इतने सारे राज्यपाट दिया, पर उसका मन किसी बात में डूबा नहीं है, उसका ध्यान किसी चीज वस्तुओं में नहीं है, पर कहता है सब के ऊपर उसने खुदा को ऊंचा रखा। आज मैं जो भी हूं बिकॉज ऑफ हिम, आज मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए, उसके कारण। हालेलुया। कहता है ये सब तो चला जाएगा, ये सब तो खत्म हो जाएगा, पर रह जाएगा वो। इस कारण से दाऊद कहता है सब कुछ होने के बावजूद भी कभी चीजों में वो डूबा नहीं, चीजों में वो खोया नहीं, धन दौलत में वो अपने समय को बर्बाद नहीं किया, पर कहता जितना वो बढ़ा उससे ज्यादा वो खुदा को खोजता गया, खुदा में डूबता गया। ये हमारी लाइफ की सीक्रेट है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी चीजें हमको जो मिलती है ना, हम उसमें ही अपने समय को बर्बाद करते हैं। हालेलुया। पर बाइबल क्लियर कहता तुम मर गए हो, तुम मर गए हो। एक दूसरे को देख के बोला आप मर गए हो। किसके लिए मर गए हो? संसार के लिए। आप देह से मर गए हो, आत्मा में जिलाए गए हो। आमेन। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है गलाती 5:16 में, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। पढ़ो गलाती 5:16 में। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हाँ, आत्मा के अनुसार चलो। तो क्यों आत्मा के अनुसार चलो? क्योंकि मैं पाप शारीरिक नहीं हूँ, मैं आत्मिक हूँ। हेलो, आप क्या हो? शारीरिक नहीं हो, आप क्या हो? आत्मिक हो। तो पौलुस कहता है मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। एक दूसरे को देख के बोलो आत्मा के अनुसार चलो। मतलब आत्मा क्या कहता है? आत्मा कहता है उठ प्रार्थना कर, तो प्रार्थना कर। पर शरीर क्या बोलता है? थोड़ी देर सो जाना। आत्मा कहता है उठ और बाइबल पढ़, तो शरीर कहता है पहले चाय बना के आ, चाय पी ले के बाद में फिर बाइबल पढ़ना। तो हम शारीरिक नहीं है कि शारीरिक की बात को सुने, हम क्या है? आत्मिक लोग हैं।
तुम आत्मा की आवाज को सुनो। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी करने नहीं पाओगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करने पाएगी। आत्मा आपको बढ़ाता ले जाएगा, आत्मा आपको फैलाएगा, आत्मा प्रभु के साथ आपको एकजुट कर देगा, आत्मा शरीर की बातों आप में भरता जाएगा, परमेश्वर आपको निखारता जाएगा, अंच अंच करके मसीह के स्वरूप में आप ढलते चले जाएंगे। और पौलुस कहता है गलातियों 4:19 में, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, जच्चा की पीड़ा के साथ में तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। पौलुस चाहता है कि हम में मसीह का रूप बन जाए, हम मसीह के समानता में ढल जाए, हम मसीह के स्वरूप हो जाए, क्योंकि मसीह अब मेरा जीवन है। आगे कुलुसियों, हाँ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। तुम तो मर गए पर तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। आप कितने यूनिक हो आपको मालूम नहीं मिलते। कहता है तुम्हारा जीवन परमेश्वर में मसीह के साथ छिपाया हुआ है। परमेश्वर में मसीह के साथ आप, कहता है मर्ज करके खुदा बाप ने हमको आपको रखा है उसमें। आमेन। हालेलुया। और आगे कहता है अब जो मसीह हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कितनी बड़ी बात कह रहा है। तुम भी महिमा के साथ मसीह के साथ क्या कहता है, तुम प्रकट के जैसा वो है वैसा मैं भी और आप भी महिमा के साथ हम उसमें प्रकट किए जाएंगे। हालेलुया। एक वचन को निकाल, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय और उसका 2 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। मालूम नहीं कैसा होगा हमारा लाइफ, ये बात प्रकट नहीं हुआ। पर आगे कहता है इतना जानते हैं कि जब मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। हालेलुया। बोलो मैं भी यीशु के समान होऊंगा। एक दूसरे को देख के बोलो आप यीशु के समान होंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के समान होंगे। पौलुस कह रहा है तुम में मसीह का रूप बन जाए, तुम मसीह की समानता में आ जाओ। इस मसीह ने कहा जैसा इस संसार में मैं हूं वैसा इस संसार में तुम हो। आप कब हो ऐसा, जब आप कहेंगे मैं संसार के लिए मर गया हूं और मैं यीशु के लिए जिंदा हूं। तब यीशु कहता है मेरी समानता में मैं तुझे ढालूंगा, मेरे अंश में मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं काम जो करता हूं मुझसे भी बड़े बड़े काम अब तुम करोगे। ये मसीह खुदा का वर्ड है। हालेलुया। 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 थिंक करे, विचार करे मेरे प्रियो, कब तक हम अपने इस देह के लिए जीते रहेंगे। ये टाइम में समय हम थिंक करे, विचार करे, मैं आत्मिक हूँ, मैं मसीह का हूँ, मसीह मुझ में जिंदा है, मैं मार दिया गया, मैं खत्म कर दिया गया हूँ, मेरे अस्तित्व मिटाई गई है, अब मसीह में मेरा एक नया अस्तित्व बनाया गया है। हमें इसे तो लिखता है 1 कुरिन्थी 2:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। मालूम नई सृष्टि कैसे बनते, दूसरे को पूछो नई सृष्टि कैसे बनते। यदि आपको नया पौधा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उस जमीन में गाड़ने हैं। चना के बीज में जब आपको नया पौधा निकालना है तो चने के बीज को क्या करते हैं, पहले जमीन में गाड़ते हैं। जमीन चना का बीज अपनी बाहरी परत छोड़ करके एक नए अंकुरण के साथ, एक नए आकर्षण के साथ, एक नए तेज के साथ वो बाहर आता है। हम उसको ऐसा नहीं बोलते ये बीज, हम क्या बोलते हो ये पौधा है। आमेन। हालेलुया।
हालेलुया। पौधा का क्या काम है? बढ़ना। आमेन। पौधा का क्या काम है? बढ़ना और उसको फूलना और फलना। तो परमेश्वर ने मुझको मार करके, मुझे गार करके, मुझे नई सृष्टि में नया बनाकर लेके आया है। आमेन। मैं नया बनाया गया हूँ, मसीह की दुल्हन में बनाया गया हूँ, मसीह का दह के लिए मुझे तैयार की गई है, मसीह के अंग में मुझको साटा गया है, मसीह की देह में मुझको ढाला गया है, मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। वो आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारा वतन स्वर्ग है। हमें, हम यहाँ पर परदेशी हैं। हालेलुया। तो मेरा मतलब सपोज यदि मैं कहीं, चलो यहां से कहीं दूसरी राज्य में गया, मेरा घर तो अहमदाबाद में है, राइट है, अब मैं दूसरे गांव में गया, वहां जाकर के वहीं की बातें रह जाऊं, वहीं की चीजों को सोचूं, वहीं की चीजों को विचारूं, तो गलत है। मुझको कुछ पल के लिए वहां पर गया, पर मेरा जो ध्यान मन कहा मेरे घर पर। कभी हम जाते तो हम क्या करते हैं, ध्यान करते, घर जाना है, घर जाना, परिवार वहाँ है, घर जाना है, परिवार वहाँ है, घर जाना है, परिवार वहाँ है, राइट। अभी प्रभु के दास ब्रदर आए, अभी उनके बच्चे, उनकी पूरा परिवार शिकागो में, उनको ध्यान में, मुझे शिकागो लौटना है, राइट। ध्यान वहाँ पर है पूरा, वैसे ही हमारा ध्यान कहाँ है? हम क्यों मन लगाए यहाँ पर? हम क्यों अपने समय को बर्बाद करें यहाँ? हमें स्वर्ग में जाना है, वहां की तैयारियां करनी है। हालेलुया। इसलिए कहता, तुम तो मर गए हो, अब तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है और मसीह तुम में जिंदा है। हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा ध्यान प्रभु, इससे पहले कि मैं मेरा शरीर को मैं छोड़ू, प्रभु मैं तेरे राज्य में आऊ, मैं कुछ कर गुजरना चाहता हूं। हालेलुया। खुदा की बातों पे ध्यान दो, वचन से लिपट जाओ, प्रभु के प्यार से अपने आप को भर दो। हालेलुया। गीत माती 5 में लिखा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त कर दिए जाएंगे। धार्मिकता के लिए भूखे प्यास हो, वचन के लिए भूखे प्यास हो, प्रभु के प्यार के लिए भूखे प्यास हो, प्रभु के संगति के लिए भूखे प्यास हो, यही चीज आपको मसीह में मजबूत बनाएगा, मसीह में स्ट्रांग करेगा। हालेलुया। ये बात आप समझो, मैं मर गया, मैं अपने लिए नहीं जीता, मैं मसीह के लिए जीता। एक दूसरे को देख के बोलो, मैं अपने लिए नहीं जीता, अब मैं मसीह के लिए जीता। यदि आप अपने लिए जी रहे तो आप अभी गलत फहमी में, क्या आप नहीं हो? आमेन। हालेलुया। पर अधिकतर आज ऐसा ही हो रहा है, अपने लिए जिए, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया। बाहर निकले, आप मसीह के हो। वचन में किले कहता है, तुम मार दिए गए हो। हालेलुया। तो जब जो मर गया है वो खत्म हो गया है, अब जो है उसके बारे में विचार करो। आमेन। हालेलुया। मुझे मालूम है, मैं 4-5 बार मरते बचा, 5 बार प्रभु ने मुझको जिंदा किया। आज दिन रात में उसके धुन में लगा रहा था, तो मैं खत्म हो जा रहा था, पर तूने मुझको उस बंधन में से बचाया। आमेन। इसलिए हम उसके उपकारों को कैसे भूल जाए? दाऊद कहता है, गीसा 116:12 में कहता, तेरे उपकारों का बदला मैं तुझको क्या दूँ, क्या दूँ प्रभु को। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ निकाले जल्दी से, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 49 वचन को निकालेंगे, 13 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, हाँ? जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आमीन। हालेलुया। आज आपने कहता कि अब मैं मसीह में जिंदा हूँ, मसीह में जीवित हूँ और मसीह की समानता में मैं बढ़ रहा हूँ। आमीन। वैसे तो पौलुस प्रार्थना करे ना कि जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, जच्चा की पीड़ा के साथ में तुम्हारे लिए प्रार्थना करता। इसका मतलब पौलुस चाहता कि हमें मसीह का स्वरूप बन जाए, मसीह का रूप बन जाए। तो कहता है, जैसा मैंने
और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जैसे हमने उसको रूप धारण किया जो मिट्टी का था, जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे, वे स्वर्गीय का भी रूप धारण। ये मालूम ये आकार कैसे मिला? हेलो विजय देखो सब मेरे साथ, ये आपका आकार रूप कैसे मिला? क्योंकि परमेश्वर जैसा है वैसा मुझको बनाया, राइट? तो कहता है जैसा मैंने मिट्टी, जो मिट्टी था उसका रूप धारण किया, वैसे ही हम भी स्वर्गीय रूप धारण करेंगे। आमेन। मिट्टी का रूप धारण कर लिया, पर वो मिट्टी का रूप क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, मार दिया गया है। अब दूसरा स्वरूप मिलने वाला है, दूसरा रूप मिलने वाला है। कैसा? तेजोमय, कैसा? प्रज्वलित, कैसा? आग के समान, कैसा? पवित्र, कैसा? होली। ऐसे जिंदगी अब खुदा मुझको उस बात के लिए मुझको तैयार कर रहा है। आमीन। और जब तक तो मार दिया गया उसको हम पकड़ के रखेंगे ना, वो चीज में आप डेवलप नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नया स्वरूप आपको बनाना चाहता है, नया रूप आपको देना चाहता है, नई सृष्टि आपको बनाना चाहता है, नई ढंग से खुदा आपको अपने लिए तैयार करके आपको स्वर्गीय धाम में ले जाना चाहता है। जैसा हमने जो मट्टी के था रूप धारण किया, वैसे ही अब हम जो स्वर्गीय है उसका रूप धारण करेंगे। आमेन। हालेलुया। हां, सही बात है ना? तो कैसे होगा? और ये क्या होगा कि नहीं होगा? होगा, कितने लोग बोलते होगा? पर क्या होता है समटाइम, कोई प्रभु का सेवक हमारे साइड से गुजर जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कोई सेवक हमारे पर हाथ रख देता है, समथिंग इनसाइड कुछ होने लगता है। वाई? क्यों? क्योंकि वो अंश अंश करके मसीह की समानता में वो ढलता जा रहा है, क्योंकि मसीह का मसीह जो है वो सामर्थ्य से भरा हुआ है। हालेलुया। मसीह जो है वो अलौकिक है, मसीह जो यूनिक है, वो चीज आपके अंदर यूनिक पर, आपके अंदर वो सामर्थ्य, आपके अंदर पवित्र आत्मा की फुलनेस वो बढ़ती चली जाएगी। आमेन। हालेलुया। तो हम इस बात को समझना है, मैं मर गया हूं, अब मैं पूरा ध्यान पूरा फोकस मसीह की ओर मुझे लगाना है। आमेन। हालेलुया। 13:12 से आगे पढ़ेंगे उसी का, पहला कुरिन्थियों 13:12 से आगे। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, हा? परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। आमीन। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, पर उस समय मैं पूरा पहचाना जाऊंगा कि मैं असलियत में क्या हूँ, खुदा ने मुझको कैसा बनाया है। हमें हालेलुया। मूसा स्वर्ग में है, वो देखता होगा कि खुदा ने कैसा मुझे बनाया। एलिया स्वर्ग में है, यीशु को दर्शन दिया पहाड़ के ऊपर, मूसा उस दर्शन दिया पहाड़ के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कैसे, हम जानते हैं सारी चीजें हमारे साथ भी होगी। जैसे आज मूसा स्वर्ग में है, एलिया स्वर्ग में है, हम भी एक बार दिन स्वर्ग में होंगे। हमें तो क्या तैयारियां हमारे जीवन की? हम मरी हुई चीजों पर क्यों पकड़ के रखे मन लगा रहे? जो स्वर्गीय है, जो स्वर्ग की बातों की ओर हमारे जीवन को तैयारी कर रही है, उस पे हम ज्यादा फोकस लगाए। आमेन। हालेलुया। तब आप आंच आंच करके आप बदलते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ आपके अंदर बढ़ती जाएगी, खुदा का अभिषेक आपके जीवन बढ़ता चला जाएगा। फिलिप्पियों 3:21 और उसका 21 को पढ़ेंगे। फिलिप्पियों 3:21 को हम पढ़ेंगे। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, हा? जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को, हा? अपने वश में कर सकता है, कहता है अपनी उस शक्ति के अनुसार जिसको वो, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। सब वस्तु मीन्स क्या आ गया? हर चीज, एवरीथिंग, सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। क्या जीवन, क्या मरण, क्या आकार, क्या धूप, क्या छाव, हर चीज कहता सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है।
हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर कर सकता है। दूसरे को देख के बोलो प्रभु ऐसा कर सकता है। बड़ी तरह फिर से एक बार पढ़ो। देखो परमेश्वर वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार। देखो परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव के अनुसार जिसके पास सामर्थ्य है, जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, उस सामर्थ्य उसे उसे कहता अथॉरिटी के साथ है। कहता है परमेश्वर अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर हमारे दीनहीन देह। देखो ये क्या है, ये दीनहीन देह नम्रा है, कमजोर है ना। कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ऐसा हो गया, कभी दीनहीन देह है। को कहता दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा हमें अपनी महिमा का। ये बहुत बड़ी बात लिख रहा वहां, दीनहीन देह। पर यीशु आया इस दुनिया में तो सबसे पहला क्या काम किया, हमको मार दिया। हेलो, यीशु मसीह दुनिया में आया और आके क्रूस पर हमको लेके पहला काम क्या क्या किया, अपने साथ हमको मार दिया। राइट, काहे को मार दिया, क्योंकि सबसे कुछ नया बनाना चाह रहा है। आमेन हालेलुया। और जब वो मार दिया, मारने के बाद कहता तू मेरे साथ गड़ जा, और उसने गाड़ दिया हमें। हालेलुया। और जब वो गाड़ा, उसके बाद क्या हुआ, वो फिर से जी उठा। तो मानो जब वो जी उठा, पहले तो लिमिटेशन में था, पर जब वो जी उठा तो वो अनलिमिटेड बन कर आया। आमेन हालेलुया। पहले लिमिट में था, पर जब वो जिंदा हो गया तब वो अनलिमिट होकर के आया। आमेन हालेलुया। और खुदा बाप कहता तुम्हारी दीनहीन देह को रूप बदल करके, तुम्हें चेंज करके, वो कहता है तुम्हें पूरी तरह से कहता है बदल करके अपनी महिमा के देह के अनुसार बनाकर खड़ा कर। कितनी बड़ी बात, अपनी महिमा के देह के समान वो मुझको और आपको बनाना चाहता है, बदलना चाहता है। बोलो दूसरे को, आपको बदलना चाहता है। कैसा, बोलो कैसा, जैसा वो है वैसा। आमीन। पर आप ये बात समझो, मैं मर गया हूँ, अब मुझको अंच अंच करके मसीह में ढलना है, मसीह के स्वरूप में मुझको बनना है, मसीह की अनुग्रह मुझको बढ़ना है, मसीह के स्वरूप में मुझको हो जाना है। हालेलुया हालेलुया। ओ गलत, यूहन्ना कहता है मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या कुछ होगा, पर इतना जरूर जानता हूं, ये खातरी है कि जब मसीह आएगा तो मैं भी उसके समान होऊंगा, मसीह आएगा तो मैं भी उसके जैसा, इतना जरूर। और क्या होगा नहीं मालूम, कैसा होगा नहीं मालूम, स्वर्ग में मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम, स्वर्ग में महल होगा, घर होगा, क्या होगा नहीं मालूम, इतना जरूर जानता हूं कि जब मसीह आएगा तो मैं भी उसके समान होऊंगा, क्योंकि वो मेरे दीनहीन देह को रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुसार मुझे बना देगा। आमेन हालेलुया। क्या आप इस बात के लिए तैयार है, तैयार है? तब चाहते कि अलौकिक चीजें, अलौकिक बातें आपके साथ घटे। ऐसा आंख दिया है कि यहां बैठे स्वर्ग की बातों को देख सकते हैं। सही है ना? यशायाह कहता है जब मैंने आंख खोला तो क्या देखता हूं, स्वर्ग के ऊपर सिंहासन है और सिंहासन के ऊपर गरुबों के बीच में मेरा परमेश्वर विराजमान है। जब इंद्रधनुष ने आंख खोला तो क्या देखता है कि सिंहासन के दाहिनी ओर पुत्र खड़ा हुआ मुझे निहार रहा है। जब पाग अयुब देखता है कहता प्रभु मेरी आंखें तो तुझे देख लिया, जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे अपने पर घृणा। सब दिन अलौकिक बातें हो रही है। हालेलुया। ये बातें संभव है, वो हमारी दीनहीन देह को रूप बदल के अपनी महिमा के देह के अनुसार में ढालना और बनाना चाहता है। आमीन।
हालेलुया। रोमियों की पुस्तक को निकालो जल्दी से, दो तीन वचन पढ़ेंगे। छठवां अध्याय उसका एक वचन से 14 वचन तक पढ़ दीजिए। रोमियों की पुस्तक 8 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्या लिखता है? जैसा पिता ने मसीह को जिलाया और मरे हुए में से जिलाकर अपनी महिमा में लेकर के आया, वैसा हम भी नए जीवन की सी चाल चले। एक दूसरे को हिला कर बोलो, नए जीवन की सी चाल चलो। कहा क्या है नया जीवन? पुराना जीवन मार दिया गया, पुराना स्वभाव मार दिया गया, पुराना नेचर मार दिया गया और पुरानी व्यवहारिकता मार दी गई है, मुझको सब कुछ नया बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं पहले क्रोधी था, पर मैं प्रेमी हूं। पहले नफरत था, पर अब दया है। हेलो, पर है क्या? ये हमारे लिए सोचने की बात है। हालेलुया, नए जीवन की सी चाल चलो। एक दूसरे को देख के बोलो, नए जीवन की सी चाल चलो, नए जीवन की चाल चलो। इसको निकाल के रखो, रोमियो भी आओ, 12 अध्याय 2-3 वचन को पढ़ो। रोमियो 12 अध्याय 2-3। इस संसार के सदृश्य न बनो। क्या लिखता है? इस संसार के सदृश्य न बनो। इस संसार के सदृश्य न बनो। एक वचनों का पढ़ो, पर अभी हमने जो गिरा दिया है ना, फिर से उसी को बांधे हैं। जो हमने छोड़ दिया है उसी को हमने फिर से पकड़ के रखा है। पर बाइबल किले कहता है नए जीवन की सी चाल चलो। बाइबल के लिए कहता है इस संसार के सदृश ना बनो। तुम मार दिए गए हो, इस संसार के लिए मिटा दिए गए हो, संसार के सदृश ना बनो। पर तुम्हारे परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से। हेलो, क्या कहता तुम्हारे आपका मन नया किया गया? मालूम जो आप मार दिए गए तो क्या मालूम, खाली शरीर मारा क्या? क्या आपको हर चीज मार दिया। इसलिए एजकेल 36:26 में क्या कहता है? नया मन दूंगा, तेरा मन को मैं मार दिया, अब नया मन दूंगा। हमें फिर क्या कहता है? नई आत्मा दूंगा। फिर क्या कहता है? नया हृदय। आपको क्या मिला है? नया हृदय। वो नया हृदय कैसा है? पाप से भरा है, पवित्रता से भरा है। मन, नया मन, वो मन जो दिन रात मसीह के बारे में सोचे। कुरिन्थी में लिखा है मुझको मसीह का मन मिला है। एक दूसरे को देख के बोलो, मुझको मसीह का मन मिला है। हालेलुया। तो जब मसीह का मन है तो मसीह का मन के गंदी बातें सोचता है, गंदी बातों का कल्पना करता है ना? मसीह का मन पाक है, मसीह का मन पवित्र है, मसीह का मन पिता की बातों पे लगा रहता है, मसीह का मन सर की बातों पे लगा रहता है, मसीह का मन और इधर उधर की बातें नहीं सोचता, वो दिन रात प्रभु के धुन में लगा रहता है। मुझको वो मसीह का मन मिला है। आमेन, हालेलुया। संसार के सदृश्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अंश अंश करके मैं बदल रहा हूँ। एक दूसरे को देख के वो अंश अंश करके मैं बदल रहा हूँ। मैं यीशु के स्वरूप में ढल रहा हूँ, मैं यीशु के जैसा हो रहा हूँ, मुझ में यीशु बढ़ रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए रोमियो। हाँ, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके हम उसके जीवन की समानता में जुट जाएंगे। हालेलुया। यदि मृत्यु की अवस्था में जुट गए तो ये बातें तय है, ये बातें निश्चित है कि हम जीवन की अवस्था में उसके साथ
जुड़ जाएंगे। हालेलुया, मसीह जैसा जीवित है मैं भी जीवित हूँ। एक वचन याद मुझे याद क्लिक जैसे मेरे माइंड में हुआ, यूहन्ना चौदह अध्याय उन्नीस वचन को पढ़ो जल्दी से। यूहन्ना चौदह अध्याय उन्नीस, आप लोग कुछ सीख रहे समझ रहे? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, और थोड़ी देर रह गई है। ये संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, क्या कहता है यीशु के वर्ड है, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। खातिरी पूर्वक आमेन। मैं जिंदा हूँ इसलिए तुम भी जीवोगे। आमेन। बोलो मैं मरूंगा नहीं। इसलिए तो पौलुस लिखता है कि हम मरेंगे नहीं, हमारा खाली रूप बदलेगा। हमें कहता है नाशवंत देह को छोड़ के अमरता का देह धारण कर लेंगे। आमेन। मैं जिंदा हूँ इसलिए कहता है मैं जिंदा हूँ इसलिए तुम भी जियोगे इटर्निटी के लिए, अनंत काल के लिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, रोमियो आगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। बस हम पढ़ेंगे आठ अध्याय, रोमियो आठ अध्याय एक और दो वचन, पांच से आगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मान लो दंड कब तक मिलता है हमको? दंड जैसे कि मान लो हमने कोई अपराध किया और अब मेरा कोई किसी ने कोर्ट केस कर दिया, तब कोर्ट में मैं जाऊंगा, मुझे कोर्ट लेकर जाएगा और जज क्या करेगा? सजा देगा, न्याय करेगा मेरा। मैं अपराधी गिना जाऊंगा और मुझको क्या करेगा? दंड देगा, राइट। पर मान लो यदि मैं मेरा कोर्ट केस चला और मैं मर गया तो क्या होगा? फाइल क्लोज, फाइल बंद हो जाएगा कि नहीं, है ना? उसको क्या करेंगे? सील लगा देंगे कि अब खत्म, राइट। तो मसीह ने क्या किया हमको? हमें उस दंड की आज्ञा से बचाई। दंड देने वाला मृत्यु था, वो शैतान था, अब कहता है हमें उसके लिए मार दिया है, मार दिया, अब दंड नहीं है। जो दंड था वो मृत्यु था, दंड को मिटा दिया, मार दिया है और हमको कहता अपने में जिलाया है। हालेलुया, इसलिए कहता अब जो कोई मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। मुझे दंड कौन दे सकता? जब तक मैं जिंदा हूं तब मुझको दंड दे सकता है? मर जाने के बाद तो अतः मर गया बोले जवाब दे तो सुन ली फाइल पुलिस की कटन में रखे दो। हालेलुया, पर मैं मसीह में, कहता है अब जो कोई मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमेन। हालेलुया, सर मैं आपको बताता कि शैतान मुझको कब कहां तक पीछा कर सकता है? शैतान कहां तक मुझे मुझके मेरे पास आ सकता है? मालूम कि इस मसीह को कहां तक लेके गया और इस मसीह मुझको आपको कहां तक लेके गया? समझ ये क्रूस है, है ना? शैतान कहां तक यीशु मसीह के साथ? क्रूस तक लेके गया, है ना? और यीशु मसीह मुझको पकड़ कर कहां तक लेके गया? क्रूस तक लेके गया। मानो ये क्रूस है, यहां तक लेकर आया और शैतान यहां तक उसके साथ आया, राइट, यहां तक आया और यहां तक उसने उसको क्या दिया? मृत्यु दिया। पर मानो यीशु मसीह ना केवल मुझको मृत्यु तक लेकर गया परंतु मृत्यु के उस पार, मृत्यु से कोसों मील दूर मुझको आपको रिजरेक्शन में लेकर के गया, जहां तक शैतान की पहुंच नहीं है। शैतान मृत्यु तक, क्रूस तक आ सकता है पर उसकी ताकत नहीं कि वो रिजरेक्शन तक आया, और इस मसीह ने मुझको आपको रिजरेक्शन पर लेकर के आया है। आमेन। इसलिए आप कहता आप जो कि मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड केवल क्रूस तक दे सकता है पर यीशु मसीह क्रूस में से निकाल कर मुझको रिजरेक्शन में लेकर के गया है। आमेन। अब उस पर वहां तक पहुंच नहीं है, मृत्यु से पहले वो मुझको छू सकता है, मृत्यु के बाद नहीं। आमेन।
और यीशु ने मुझको मृत्यु के बाद रिजरेक्शन में लेकर के गया है। आमीन। इसलिए पौलुस लिखता है, अब जो कोई मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। इसलिए मैं कहता ना, पौलुस कहता आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि अब हम शारीरिक नहीं, शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते, क्योंकि मेरा शरीर मार दिया गया है, मुझको मार दिया गया और मैं मसीह में चिल्लाया गया हूँ और अब मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पांच उसी का आठ अध्याय पांच वचन से आगे पढ़ेंगे, मैं जल्दी से बंद करूंगा। हाँ, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यदि आप शारीरिक तो शरीर पे मन लगा, पर यदि आप कहते कि मैं आत्मिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मेरे प्रियो जब आप आत्मिक बातें आत्मा हो, प्रभु के आत्मा में आप होकर के चले, तो आत्मिक बातों पर मन लगा। इसलिए तो पौलुस ने दो बार बोला, कहता है प्रेम के धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। हालेलुया। आत्मिक वरदानों को खोजो, वचन को ढूंढो, प्रभु के प्यार को ढूंढो, उसकी प्रेजेंस को ढूंढो, उसकी उपस्थिति को ढूंढो, प्रार्थना में समय बिताओ, वचन में समय बिताओ, क्योंकि तुम आत्मिक हो। हमारा खुराक खुदा का कलाम है, उसका वचन है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पहला कुरिन्थी छठा अध्याय 11 वचन, तीतुस 3 अध्याय 5 वचन से आगे पढ़, दो वचन पढ़ेंगे मैं बंद करूंगा। पहला कुरिन्थी छठा अध्याय 11 वचन, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से। तुम में से कितने लोग ऐसे ही थे जो शरीर के अनुसार जीवन बिताते थे, शरीर की बातों पे मन लगाते थे, परंतु तुम तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से किसके आत्मा से, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहराए गए हो। पर क्या कहता पहले, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से धोए गए और पवित्र बनाए गए और धर्मी ठहराए गए। हमें काहे के लिए, काहे के लिए, ताकि मैं उसकी समान हो जाऊं, स्वर्ग के लिए तैयार हो जाऊं। हमें, मैं मर गया, आई एम डाइड, अब मैं जीवू तू केवल यीशु के लिए। हमें इसलिए पौलुस कहता है चलना मसीह है, जीना मसीह है, मेरा उठना मसीह, मेरा बैठना मसीह। हमें हालेलुया, उसकी आत्मा से आप धोए गए हो, आप पवित्र किए गए और धर्मी बनाए गए। आमेन। हालेलुया। बोलो मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं यीशु की आत्मा से धोया गया हूँ। हालेलुया। उसके वचनों से मैं और आप हर दिन धुल रहे हैं, वचन के स्नान से कहता वो तुमको शुद्ध करे, पवित्र बनाए, अपने जैसा बनाए। तीतुस तीसरा अध्याय 5 वचन से आगे, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला, जिसे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आमीन। हालेलुया। कहता है अनुग्रह से बहुतायत के साथ उंडेला है, ताकि हम उसके द्वारा कहता अनंत जीवन की आशा के अनुसार उसका वारिस बन जाए। आमीन। उसका वारिस बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे और बंद करूंगा। माती 22 अध्याय 29 वचन को पढ़ेंगे, माती 22 अध्याय 29 वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। क्या लिखता है, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। सब बातों का ठीक है, इस कारण भूल में हम पड़े।
हमें समझ नहीं आ रहा खुदा क्या बनाना चाहता और आपको कैसा तैयार करना चाहता। हालेलुया, क्योंकि हमने उन्हीं बातों को अभी तक पकड़ के रखा है जो हमको काफी पहले छोड़ देना था। और कहता तुम तो मर गए हो, अब मसीह तुझ में जिंदा है। तो सर की बातों पे मतलब धर्मशास्त्र की और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझे इसलिए भूल में पड़े। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या से क्या बना सकता है आप, इसका अंदाजा आपको नहीं। ये दुनिया की छोर तक आपको ले जाके खड़ा कर सकता है। आमीन। जब आप इसमें मर्च हो जाएंगे तो स्वर्ग के दूत भी आपकी गवाही देंगे। क्या तूने मेरे दास मूसा को देखा? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? मेरे दास दाऊद के जैसा और कोई भी नहीं है। हालेलुया, स्वर्ग गवाही दे। दुनिया के बाद छोड़ो, स्वर्ग आपको जानने लगेगा। आमीन। हालेलुया, आप यूनिक हो। हालेलुया, आप मसीह के स्वरूप हो। आमीन। हालेलुया, आप मसीह की समानता में ढाले गए हो। मसीह का जीवन आपके अंदर है। हालेलुया, हर चीज जो मसीह का है आप में डाली गई है। इसलिए आप समझो मैं शरीर के लिए मरा हूं और यीशु के लिए जीता हूं। अब मेरा खुदा मुझको अपने लिए जैसा बना रहा है, मुझे यीशु के स्वरूप में ढलते चले जाने का। आमीन। हालेलुया, एक वचन मुझको याद है, दिन पढ़ के पढ़ करूंगा। कुरिन्थियों में आपको मूसा, मूसा के चेहरे से वो प्रताप, प्रकाश की किरणें जो घटता जाता था। हाँ, शायद दूसरा, हाँ दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय पढ़ते जाइए, आठ वचन से आगे पढ़िए, सात वचन। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसकी अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुए कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते नहीं थे, कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। हम सोचते हैं मूसा के, लोगों ने इजराइली ने मूसा के चेहरे पर प्रकाश की किरणों को देखा है ना, और कहता है कि मूसा ढाप ले, हम देख नहीं पा रहे, मूसा ढाप ले, देख नहीं पा रहे थे। पर अब कहता है ये मूसा की तेज को छोड़ जो घट रहा था, पर अब जो आत्मा की तेज है उससे बढ़कर होगा जो खुदा तुझको देने जा रहा है, परमेश्वर ऐसा तैयार करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। मूसा के तेज से कई बड़ा तेज आपके जीवन में खुदा डालना चाहता है। आमेन। और ये तेज कैसा है? घटने वाला नहीं है, ये तेज बढ़ने वाला है। धर्मी तो उस तेज दोपहरिया के समान है जिसका धूप कता धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वैसा खुदा ने मुझको आपको तैयार किया। आगे पढ़ी। हाँ। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी हाँ? तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। आगे। और जो तेजोमय था हाँ? वह भी उस तेज के कारण हाँ? जो उससे बढ़कर तेजोमय था हाँ? कुछ तेजोमय न ठहरा हाँ? क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। जो स्थिर रहेगा वो घटने वाला था, पर जो मेरे पास है वो स्थिर है। एक दूसरे को देखो, वो स्थिर है। आमीन। स्वर्ग स्थिर है, स्वर्ग का सिंहासन स्थिर है, परमेश्वर का कलाम स्थिर है, परमेश्वर का आत्मा स्थिर है। हालेलुया, ये सब कुछ मिट जाएंगे पर स्वर्ग कभी नहीं मिटेगा, उसका सिंहासन कभी नहीं मिटेगा, उसका नाम कभी नहीं मिटेगा, उसका वचन कभी नहीं मिटेगा, उसका तेज कभी नहीं मिटेगा, उसका प्रताप कभी नहीं मिटा। वो सब अमरता है और वो मुझको और आपको मिला अनंत काल का जीवन। आमेन, हालेलुया। वो स्थिर है और खुदा मुझको और आपको ऐसा ही बनाना चाहता है। लास्ट उसी का 17-18 वचन लास्ट पढ़ देंगे, बंद करूंगा। प्रभु तो आत्मा है, परमेश्वर तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता, वहाँ पर स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी प्रभु के द्वारा, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, कहाँ है आत्मा? जो से बोलो आत्मा कहाँ है? प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, किस कहाँ है आत्मा? मेरे अंदर, बोलो मेरे अंदर। जो से बोलो मेरे अंदर,
परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। ईसाई से उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया हालेलुया। गलातियों उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, और पिता ने अपने पुत्र की आत्मा को निकाल कर हमारे अंदर डाल दिया है। हालेलुया। पौलुस कहता है तुम आत्मा हो। हालेलुया। प्रभु कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 19 अध्याय 19वां वचन कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। अब परमेश्वर यहाँ पर कहता है परमेश्वर का आत्मा हम में है, डाला गया है। हालेलुया। एक दूसरे को देख के कहो परमेश्वर का आत्मा हम में डाला गया है। आगे आगे को हाँ। हम उसी तेजस्वी रूप में, और जो आत्मा डाला गया है उसी तेजस्वी रूप में, हेलो, उसकी तेजस्वी रूप में, हेलो, तेजस्वी रूप में यानी कि जैसा वो प्रतापी है, तेजोमय है, आग के समान है, प्रज्वलित है, वो चलता हुआ है, उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बोलो आपका बदलना जरूरी है। आमीन। कैसा बदलेंगे? अंश अंश करके, उसके तेज में, उसके प्रताप में। एक टाइम आएगा आपके कपड़ों से सामर्थ पहनने लगेगी। एक टाइम आएगा किसी के पास से आप गुजर जाओ उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पल आएगा खुदा अंदर की बातों को आप रिवील करने लगेगा। एक समय आएगा कि आप यहाँ होंगे अमेरिका में क्या हो रहा है आप लोगों को बताएंगे। एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा रूप, एक ऐसा प्रताप, एक ऐसा तेज आपके अंदर प्रभु डालना चाहता है। पर इसके पहले कहता हम अपने आप को समझे मैं मर गया हूँ, अब मैं जिंदा हूँ तो यीशु के लिए जीवित हूँ। आमीन। हालेलुया। और यीशु इसलिए मैं जीवित हूँ, यदि मैं यीशु पे फोकस करूँ, यीशु पे मन लगाओ, यीशु के बारे में सोचूँ, यीशु से उठते बैठते बस यीशु 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 करूँ, तो एक टाइम आएगा मैं यीशु के समान होकर खड़ा होगा। आमीन। क्योंकि वह चाहता है कि मैं उसके जैसा बन जाऊँ, क्योंकि उसने कह दिया जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी हो। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने मन को अपने ध्यान को हम खुदा की ओर लगाएं। मेरे पे 2 मिनट के लिए स्थानों में हम खड़े हो जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। जितने लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से खुदा के कलाम को सुने, खुदा उनको आशीष दे और परमेश्वर उनको पढ़ाए, वो ये समझे मैं मर गया पर अब मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जिंदा है। लॉर्ड आशीष तो मदद करो, पवित्र आत्मा दुनिया से मन को हटाकर शरीर की बातों पे मन लगाए, तेरी बातों पे मन लगाए, तेरे वचन पे मन लगाए, ताकि तेरी ओर से एक नया जीवन को पाए, तेरी ओर से एक नए तेज में, एक नए डायमेंशन में वो आगे बढ़ते चले जाओ। थैंक यू लॉर्ड। हर एक लोग अपने हाथ को ऊपर उठाया।